खबर रीवा जिले के नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां 6 माह से अधिक समय से एक्सरे रूम में ताला लटक रहा है, जिससे मरीज परेशान है। बता दें कि बीते अप्रैल माह में एक्सरे मशीन के ऑपरेटर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तब से आज तक एक्सरे रूम में निरंतर ताला ही लटकाया पाया गया है। बता दें कि नईगढ़ी विकासखंड अंतर्गत 196 गांव की आबादी वाला क्षेत्र विगत 6 माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी यहां एक्सरे के ऑपरेटर की पदस्थापना नहीं हो पाई, जिससे मरीजों को मऊगंज व रीवा एक्सरे के लिए भटकना पड़ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं मरीजों में जन आक्रोश बढ़ रहा है, जिसके संबंध में BMO डॉक्टर आर के पाठक से बात की गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेटर विगत अप्रैल माह से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिले से किसी की भी अभी तक पदस्थापना नहीं की गई है। इसके संबंध में CMHO साहब से बात हुई है। ऑपरेटर ना होने की वजह से एक्सरे रूम में ताला लटक रहा है। आइए बात करते हैं BMO डॉक्टर आर के पाठक जी से, इसके संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा। एक्सरे रूम हमारा इसलिए बंद है क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। जो ऑपरेटर पिछले वर्षों में हमारे यहाँ काम कर रहे थे वो रिटायरमेंट हो चुका है उनका, और रिटायरमेंट के बाद से हमारे पास कोई भी ऑपरेटर नहीं है। यहाँ से एक्सरे के लिए हम मऊगंज भेजते हैं, और हमने इस बारे में CMHO सर से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने बोला था कि जल्दी हम कुछ व्यवस्था करेंगे ऑल्टरनेटिव, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर आर के पाठक, बीमा।